हेलो स्टूडेंट, तो हम पिछले टॉपिक में संख्या के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को आप हमारे ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम डिजाइन ऑफ स्क्वायर की के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है जो हमारे की होती है वो फेल कैसे होती है। ठीक है, तो आइए पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो हमारा ये हब है और हमारा इसमें शाफ्ट है जिसमें हमारा स्क्वायर की ज्वाइंट है। ये हमारा की है जिसमें हमने दो पॉइंट ले लिया ए और सी। हमारा एक टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है जो हमारा कैपिटल टी है। शाफ्ट का जो डाया है वो हमारा स्मॉल डी है। ओके, एंड जो हमारा की विड्थ है वो स्मॉल बी, एंड जो हाइट है वो है हमारा एच। ठीक है, बात करते हैं इसके फेलियर के बारे में। तो ये हमारे दो तरीके से फेलियर हो सकता है। पहला जो होगा वो होगा शियरिंग फेलियर। सेकंड जो फेलियर इसका होता है वो होगा हमारा क्रशिंग फेलियर। ठीक है, तो दो टाइप्स के हमारे इसमें की में फेलियर होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं शेयरिंग फेलियर के बारे में। वी नो डेट इफ टॉर्क एच टी, नाउ हमारा जो इस पे प्रेशर अप्लाई होगा दोनों साइड से, इस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा P, एंड जो हमारा जो डी है इसका डायामीटर डी बाई टू बराबर टी। ठीक है, तो हमारा अगर हम P बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा हमारा 2T बाई डी। तो यहां पे हमको फोर्स का इस पे शेयरिंग फोर्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ऊपर का रफ कर देते हैं। तब आगे बात करते हैं फेलियर ऑफ शियरिंग फोर्स। ठीक है, शेयर का फॉर्मूला क्या होता है शेयर फोर्स का? टाउ बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हम यहां से निकाल चुके हैं, एरिया हमारा इसका क्या हो जाएगा? विड्थ, और जो इसकी लेंथ होगी एल। तो यानी इसकी वैल्यू को यहां पर पुट अप करेंगे 2t बाई डी अपॉन एरिया क्या हो जाएगा इसका? बी इंटू एल। अगर इसको हम सही से लिखेंगे टाउ बराबर में क्या हो जाएगा? 2t अपॉन डी बी एल। तो ये हो गया हमारा शियरिंग फोर्स। बात करते हैं अब इसके क्रशिंग फोर्स के बारे में। नाउ डिजाइन ऑफ क्रशिंग फोर्स। ठीक है, तो क्रशिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम इसको मान लेते हैं सिग्मा सी पी अपॉन पी सी, जो इसका हमारा मान लेते हैं जो फोर्स लग रहा है क्रशिंग फोर्स है, अपॉन एरिया। अब जो हमारे इसमें जो क्रशिंग फोर्स जो अप्लाई होगा उसको हम डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम के थ्रू आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, जो हमारा क्रशिंग फोर्स लगेगा वो हमारे की के हाफ पार्ट्स में लगेगा। जब हमारा टॉर्क ट्रांसमिट होगा तो हमारा जो शाफ्ट होगी वो हमारा इस साइड घूमने कोशिश करेगा, बट जो हब होगा वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में की को क्रश करेगा। तो इसी तरह इसका जो हाफ पार्ट होगा वो हमारा क्रश होगा, यानी बी सी सी डैश बी डैश। ठीक है, तो क्रशिंग फोर्स का हमारा फॉर्मूला ये रखा हुआ है, हम पी निकाल चुके हैं यहां से, तो पुटअप कर देते हैं यहां पे 2t अपॉन
डी एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसकी जैसा कि हमको पता है हाइट जो है स्मॉल एच है, बट जो क्रशिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके हाफ पार्ट में हो रहा है, यानी जो इसका हमारा हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एच बाई टू हो जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एच बाई टू इंटू एल। अब इसको प्रॉपर अगर लिख ले तो हम क्या हो जाएगा, 4t बाई डी एच एल। तो ये हो जाएगा हमारा क्रशिंग फोर्स हो जाएगा जो कि हमारा अप्लाई होगा की पर। अब हम आंकिक रूप अगर ले लें इसका, पहला हम रेक्टेंगुलर की का ले लें, एंड वन साइड हम स्क्वायर की का ले लें। तो रेक्टेंगुलर की जो विड्थ होगी वो हमारी हो जाएगी d बाई फोर, एंड जो इसकी हाइट होगी वो हो जाएगी हमारी d बाई सिक्स। इसी तरह स्क्वायर की में जो हमारी विड्थ होगी वो हो जाएगी हमारी d बाई फोर, एंड जो इसकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी d बाई फोर। इसमें जो हमारा शेयरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, 2t बाई डी बी एल, एंड जो क्रशिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 4t बाई डी एच एल। इसी तरह इसमें जो शेयरिंग फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा 2t बाई डी बी एल, एंड जो क्रशिंग फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा 4t बाई डी बी एल। ठीक है, तो इसी तरह में इसका एक हम सवाल बता देते हैं जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है और कहां पे इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो हम एक सवाल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। सवाल मैंने क्या दिया, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ स्क्वायर की फॉर फिक्सिंग अ गियर ऑन अ शाफ्ट फॉर 25 mm डायमीटर, द शाफ्ट इज ट्रांसमिट 50 kW पावर एट 720 rpm, द शाफ्ट इज मेड फ्रॉम स्टील विल यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ 460 N प्रति mm² एंड वेक्टर ऑफ सेफ्टी इज हमारा 3। ठीक है, तो हमारा जो इसमें दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसमें हमारा, पहला जो दिया हमारा शाफ्ट का डायमीटर दिया है, तो यानी मैं जो डी दिया है वो दिया है 25 mm। नाउ हमारा पावर दिया हुआ है पी 50 kW, आरपीएम दे रखा है हमारा 720, और जो दे रखा है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा है यानी एस वाई टी 460 N/mm². नेक्स्ट हमारा फोर्स दे रखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा इतनी चीजें दे रखी हैं, बट हमको निकालना है इसमें क्या क्या है, यील्ड शेयर स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमको बी फाइन करना है, एच फाइन करना है, एंड टाउ फाइन करना है, और सिग्मा सी यानी क्रशिंग फोर्स फाइन करना है। तो ये सब चीजें आपको निकालनी होगी इस सवाल से। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके पांच पार्ट में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। पहला पार्ट हम ले लेते हैं, यहां पे हमारा जो एस वाई टी यानी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा है वो हमारा इक्वल होता है यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, कितना दे रखा है हमारा ये 460 N/mm². सेकेंड हमको क्या निकालना है, यील्ड टेंसाइल सॉरी शियर यील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको हम सेकेंड पार्ट में करते हैं। तो एस वाई एस हमारा हाफ होता है एस वाई सी के, ये किस पे काम करता है हमारा, मैक्सिमम
शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो मैं कितना देखा है 460/2 नाउ 230 न्यूटन पर mm². ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज कम। थर्ड पार्ट में हम क्या निकाल लेते हैं, परमिशबल, परमिशबल शियर स्ट्रेस परमिशबल शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S by फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि हमारा दे रखा है 3। तो S by S हमने कितना निकाला है 230/3। इसको सॉल्व करेंगे तो सेवन 6.67 इतना समथिंग इसका वैल्यू आएगी। इसी तरह इसके चौथे पार्ट में हम निकाल लेते हैं परमिशबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको रफ कर देते हैं सिग्मा सी इक्वल टू SyC/Fos। सिग्मा सी हमारे कितने दे रखा था 460/3 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 153.33 न्यूटन पर mm² ठीक है। तो अब हम इसमें क्या निकालते हैं, इसके पांचवे पार्ट्स में हमको क्या निकालना है T यानी टॉर्क। तो टॉर्क आप सभी लोग फॉर्मूला जानते होंगे 2πNT/60। इस फॉर्मूले से हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे ठीक है। तो हमको वैल्यू पुट अप करनी है यहाँ पे 2πN की वैल्यू हमारी दे रखी थी ठीक है। N दे रखा था हमारा 720, टी हमारा फाइंड करना है बाय 60 एंड जो पी दे रखा है हमारा 50 किलोवाट। तो किलोवाट को हमको वाट में चेंज करना है। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो इसका आंसर आएगा 199×10³ न्यूटन mm। तो ये आ गया हमारा टॉर्क ठीक। तो ऊपर का रफ कर देते हैं, उसके बाद हम की विड्थ फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है d/4, d हमारा दे रखा है 25/4। इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा 6.2 समथिंग। नाउ इसका h फाइंड करते हैं हम, तो h क्या हो जाएगा d/4 स्क्वायर की के लिए 25/4 सेम इसका भी हमारा ये हो जाएगा 6.2 mm में लेते हैं इसको ठीक है। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, क्रशिंग फोर्स इसका फाइंड कर लेते हैं हम। क्रशिंग फोर्स, तो क्रशिंग फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या था सिग्मा सी इक्वल टू 40/dBL क्योंकि हमारी स्क्वायर की बात हो रही है यहां पे। तो सिग्मा सी हम निकाल चुके हैं 153.33 एंड जो हमारा टी दे रखा है 4×199×10³ 3/d
डी एम आ रहा था 25 एंड बी एम आई दे रखा है 6.2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर जो इसका हमारा आंसर आएगा, आंसर इसका आएगा 34.62। आप लोग घर में कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अप्रॉक्स इसको हम ले लेते हैं 35 mm। इसी तरह हम शियर फोर्स निकाल लेते हैं इसका, इसको रफ कर देते हैं। शियर फोर्स, ठीक है, शेयरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इसका, टाउ बराबर 2T/dBL। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी थी, तो टाउ में कितना निकालता हम 76.67 इक्वल टू 2 × T की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 199 × 10³। D हमारा कितना था 25, B कितना है हमारा 6.2 और L हमको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो L हमारा कितना आ जाएगा 34.60। तो इसको भी अप्रॉक्स में हम कितना ले लेंगे 35 mm। अब मेन चीज जो हमको निकालनी है वो K की डायमेंशन निकालनी है, यानी B इंटू डी इंटू एल। ओके, इसको रफ कर देते हैं। की डायमेंशंस, की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी, तो की डायमेंशन यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम, बी इंटू एच इंटू एल, ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी इसकी, ये हमारी इसकी हाइट हो जाएगी एंड जो इसकी लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी L। ओके, तो B हमने कितना निकाला था 6.2, H हमने कितना निकाला था 6.2 एंड जो L निकला था वो हमारा था 35। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1260 mm। तो ये हो जाएगी हमारी की की डायमेंशन। ठीक है, तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले पार्ट के बारे में, जिसमें हम लो ड्यूटी की के सैडल की के बारे में और हैवी ड्यूटी की के कैनेडी की के बारे में जानकारी देंगे और उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।